हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास battle.net में ये एरर आ रहा है तो इसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। दोस्तों, बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। फर्स्ट मेथड, आपको रन कमांड ओपन करना है। आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं, विंडोज़ की प्रेस करते हुए आपको आर प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको इस तरीके से टाइप कर ओके के ऊपर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर ये विंडो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको लोकल फोल्डर को ओपन कर देना है, फिर आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है battle.net। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस फोल्डर को आपको डिलीट करना है। सेलेक्ट कर राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद डिलीट के ऊपर क्लिक कीजिए। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये फोल्डर यहाँ से डिलीट हो गया है। ओके, उसके बाद आपको इस विंडो को क्लोज कर देना है। सेकेंड मेथड, आपको battle.net क्लोज कर देना है। जैसे कि यहाँ पर आपको स्टार्ट मेनू के ऊपर राइट क्लिक कर टास्क मैनेजर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है battle.net। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे पास यहाँ पर battle.net शो हो रहा है। अगर आपके पास यहाँ पर शो नहीं हो रहा है तो आप यहां पर से इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पर से भी आप देख सकते हैं, battle.net यहां पर भी शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको उसको सेलेक्ट करना है, फिर आपको राइट क्लिक कर यहां पर एंड टास्क के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहां पर से battle.net एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा, फिर आप इस विंडो को क्लोज कीजिए। थर्ड मेथड, आपको जो है battle.net एप्लीकेशन को राइट क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक कर देना है, फिर आपको यहाँ पर कंपेटिबिलिटी टैब में आना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बॉक्स में आपके पास चेक होना चाहिए, रन दिस प्रोग्राम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। ये बॉक्स में आपको चेक कर यहाँ पर सिंपल अप्लाई के ऊपर क्लिक कर ओके के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद फोर्थ मेथड, आपको जो है रन कमेंड ओपन करना है। विंडोज़ की प्रेस करते हुए आप आर प्रेस कीजिए, रन कमेंड ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर इस तरीके से टाइप कर देना है, उसके बाद आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों, आपको यहाँ पर ऑल टेम्पररी फाइल्स आपको जो है सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट कर यहाँ पर से आपको इसको डिलीट कर देना है। ओके ओके गाइज, आपको इस तरीके से ऑल टेम्पररी फाइल्स डिलीट करने के बाद इस विंडो को आपको क्लोज कर देना है। फिफ्थ मेथड, आपको एंटीवायरस डिसेबल कर देना है विंडोज़ में से। यहाँ पर सर्च बार में आप टाइप कीजिए विंडोज़ सिक्योरिटी। ओके, इस तरीके से आपको जो है यहाँ पर टाइप कर देना है, फिर आप इसको क्लिक कर ओपन कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, फिर आपको स्क्रॉल करना है। यहाँ पर मैनेज सेटिंग के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर से सारे ऑप्शन आपको डिसेबल कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको भी जो है डिसेबल कर लेता हूँ। ओके, इस तरीके से डिसेबल करने के बाद आपको जो है इस विंडो को क्लोज कर देना है। सिक्स्थ मेथड, फिर आपको विंडोज़ के सर्च बार में आपको टाइप करना है कमांड प्रॉम्प्ट। ओके, उसके बाद आपको इसको राइट क्लिक कर रन एस एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको जो है यहाँ पर इस तरीके से टाइप कर आपको इंटर प्रेस कर देना है, और एक कमांड आपको यहाँ पर टाइप करना है। इस तरीके से आपको ये कमांड टाइप कर यहाँ पर आपको इंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज कर देना है। सिक्स्थ मेथड, आपको जो है विंडोज़ 11 के सर्च बार में टाइप करना है कंट्रोल पैनल। ओके, उसके बाद आपको इसको क्लिक कर ओपन कर देना है, फिर आपको यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, चेंज अडाप्टर सेटिंग, इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए। फिर आप यहाँ पर वाईफाई नेटवर्क सेलेक्ट कीजिए, जो भी आप वाईफाई यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आपको इसको राइट क्लिक कर प्रॉपर्टी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। फिर आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप यूज़ द फॉलोइंग DNS सर्वर, इस वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ पर प्रीफर्ड DNS सर्वर में इस तरीके से टाइप कीजिए, अल्टरनेट DNS सर्वर में इस तरीके से टाइप कीजिए। उसके बाद आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है, फिर आपको इसको क्लोज कर देना है। आपको ऑल सेटिंग्स को क्लोज कर देना है। उसके बाद आप अपने PC को एक बार रीस्टार्ट कीजिए, फिर आप जो है battle.net ओपन कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।